जाता है। अच्छा घर गुब्बू हो गया। अब मान हाँ लो तो तुम थोड़ा पास आदमी है। के साथ हो, उसको पता अरे चल क्या गया बोल, ना कर सेवा हो गई कर मेरी घर की। गाइस, ये यहाँ पहाड़ का, पहाड़ में मिलने वाला एक स्पेशल डियर है। इसका इंग्लिश में नाम बोलते हैं बार्किंग डियर, और काकड़ हमारे यहाँ हिंदी पहाड़ी में। में इसको काकड़ बोलते हैं। बट ये यहाँ का जो हमारा लोकल डॉग है, हमारा पेट डॉग जिमी, वो इसको भगा के लाया जंगल से कहीं से, एंड ये बिछड़ गया अपने मम्मी पापा से जो भी है। तो अब ये यहीं पे पल रहा है हमारे गांव तो में ही। इसको बढ़िया चोट लगी है जिमी ने, काफी इसको काट कूट दिया था, उस वाले काम के और देखा। इसको पकड़ के, मुंह पकड़ के लाया था या ऐसे भगा भगा के लाया था? छोटा नहीं था से ना पकड़ इस के समय। लाया, पूरे खून बह रहा था बच्चा। ओहो, उन्होंने तो वो ध्यान नहीं, वो सोचो वो ये मम्मी है। उसके हंटिंग स्किल्स तो होते ही हैं उनमें। शिकार से तो सालो घुसा हाँ भी लेकर जम रही ले लो गुरु बकरा अंदर गुस्सा है गिरे ना मैं, पारी हो है गया अपनी बंद दीदी करो को रुका उनमें। वो बटे हंटिंग तो स्किल यहाँ वो पूरे रहती है घुमा दे रही हूँ उनके अंदर, गुस्सा बन इन गया क्या लगा बोलते हैं दौड़ा उसको, वो कुत्तों में तो बेमानुषी है वो इंस्टिंक्ट्स, होशियार इंस्टिंक्ट्स। हमारे। ओके गाइस, सो वेलकम, दिस इज डे 6 ऑफ आर ट्रिप। वी आर राइट नाउ इन हरिपुर, अराउंड अबाउट कितना, 1.5 किलोमीटर आगे अस्कोट से। अस्कोट तो आपको कल शाम को दिखाई दिया था। यहाँ आते आते अंधेरा हो गया था तो मैंने व्लॉग नहीं किया। वंदु क्या कर रही हो? एनीवेज, सो दिस इज माय एंसेस्ट्रल होम टाउन। यही लोकेशन जहाँ माय फादर वाज बॉर्न। और शाम को मैंने आपको जो गांव दिखाया था, दैट वाज तोली, जहाँ माय मदर वाज बॉर्न। एंड दिस इज दीज आर द फील्ड्स यहाँ पे, एंड आई वॉज ऑल्सो बॉर्न हेयर, एंड सिस्टर वॉज ऑल्सो बॉर्न हेयर। एंड ये रोहित है, ही इज माई कजन। ये आपने पहले भी देखा होगा, मेरे कई सारे वीडियोज में है ऐसे भाई। ही लिव्स हेयर ओनली। और अभी यहाँ पे, पहले मेरे पास, जैसे मैंने कल बताया, बचपन की बहुत ही हेजी और बहुत ही फेविड सी कुछ मेमोरीज थी। 13 साल हो गए मुझे यहाँ पे आए हुए, बिफोर आई गॉट माई जॉब। उससे पहले मैं आया था, दैट मीन्स अराउंड 2009-2010 में यहाँ आया था लास्ट। तो अब यहाँ पे आया, कल जब मैं यहाँ पे आया और सुबह जब मैं उठाऊँ, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैं रिलेट कर पाया, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें नई बन गई तो वो मैं रिलेट नहीं कर पाया। बट ये जो लोकेशन है, दिस यूज़ टू बी आर प्ले ग्राउंड। यहाँ पे हम ऊपर, गाँव नीचे है वो मैं आपको भी दिखाऊंगा, बट ये हमारे फील्ड्स होते थे। ये जो नीचे अगर आप देखेंगे, दिस इज़ धौली गंगा रिवर, एंड यहाँ से नेपाल उसी तरफ है ना, साइड वो का जो पहाड़ पीछे है। हेजी पहाड़ दिख रहा है, ये दो पहाड़ के पीछे वाला जो पहाड़ है, दैट इज़ नेपाल, है ना? ये पहाड़ और बीच में जो दिख रहा है हाँ पीछे, वो वाली नेपाल है। हाँ वो नेपाल हो गया। वो वाला बड़ा मस्त दिखता है अभी थोड़ा दूर। वैसे ये है, दिस इज चमलेक, स्मॉल प्राइमरी स्कूल है यहाँ पे। हाँ यहाँ भी गए थे शायद आप लोग। यहाँ भी गए थे घूमते हुए। यहाँ पे रास्ते में बड़े सारे वो लाल मिट्टी के वो मिलते हैं, यहाँ पे लोग लाल मिट्टी। ओके गाइज, लॉस्ट माई ऑडियो देयर फॉर दिस पर्टिकुलर क्लिप, बट दिस ट्री दैट यू सी इन फ्रंट ऑफ अस इज दी फिग ट्री, और इन हिंदी एज वी कॉल इट अंजीर का पेड़, एंड इन पहाड़ी वी कॉल इट तिमिला एंड तिमला। एंड ये फ्रूट इज़ अगेन वन ऑफ माई चाइल्डहुड मेमोरीज, बिकॉज ये मैंने यहाँ गाँव के अलावा कहीं ये पेड़ नहीं देखा। इट्स अ वेरी वेरी स्वीट फ्रूट, एंड इसी को ड्राई करके अंजीर जो बोलते हैं, विच इज़ वेरी वेरी न्यूट्रिशियस एंड वेरी वेरी गुड फॉर हेल्थ, तो ये उसी से बनता है। टुक वन ऑफ देम एंड वी ट्राइड, एंड यू कैन सी द रिएक्शंस ऑन माई फेस। सो गाइज, ये हमारे गाँव की एंट्रेंस है, यहाँ से ये कल मैंने बाइक निकाली, बड़ी मुश्किल से गिरते गिरते बचा हूँ मैं। कार जो 4 व्हीलर्स के लिए थोड़ा सा आगे है, कुछ 50-60 मीटर दूर, वहाँ तक कार आ सकती है। ऑफ रोड ट्रैक है, आप लोगों ने देख ही लिया होगा कल शाम को। तो यहाँ से अंदर आते हैं, एंड दीज आर दी सेट्स ऑफ हाउसेस जो हम दिखाएंगे। ये हमारे गाय बकरी घूम रहे हैं, तो हम यहाँ से आएंगे, एंड यहाँ से फिर हमारे ये पूरा जो एक सीरीज है, 1 2 3 4, चार घर की सीरीज है जो यहाँ पे है। चार ही है ना, 1 2 3 4, चार घर की सीरीज है। तो यहाँ पे बचपन पूरा मेरा इसी जगह पे निकला है, इसी फ्लोर में दौड़ते भागते कूदते मिट्टी खाते मार खाते,
खेलते कूदते सब इसी में निकला है। आई थिंक 5 6 साल तक मैं यहीं पर रहा हूँ, इसी इसी जगह पे। अभी थोड़ा बहुत चेंज हो गया है। ये हमारी बाइक जो कल मैं ले आया है, यहाँ पे पार्क कर दिया इसको यहाँ पे। एंड इसमें जहाँ पे वंदना जहाँ खड़ी है, वंदना के पास वाला जो घर है वो हमारा है, जहाँ पे हम रहा करते थे। एंड ये अभी बीच वाला खाली है, जहाँ पे हमारे ललित ललित भैया और रवि रवि लड़के रहते थे, वो सब बाहर सेटल हो गए हैं। यहाँ पे अभी भी कुछ लोग रहते हैं और उधर वाले में भी कुछ लोग रहते हैं। एंड ये सारे हमारे फील्ड्स हैं जो आप देख रहे हो, खेत यहाँ पे। यहाँ पे ये नींबू है, ये नींबू का पेड़ है, ये भी माल्टा है, प्लस चूक के पेड़ हैं यहाँ पे। एंड वो दूर आपको जो गाइस दिख रहा है वहाँ पे, वो हमारे यहाँ का लोकल गांव का मंदिर है। तो ये हमारा मंदिर है, वहाँ पे भी जाएंगे बाद में, और ड्रोन से भी आ जाएगा वो। एंड ये गाइस ये देखो क्या है, ये जो दाल वाल पीसते हैं ना, ओके उखल उखल, हाँ हमारे यहाँ उखल बोलते हैं ओके उखल। इसमें क्या होता है, इसमें दाल या चावल जो भी डालो, और उसके बाद फिर बड़े बड़े डंडे आते हैं ऊपर, कैमरा तो ऊपर कर, बड़े बड़े डंडे आते हैं, उस डंडे से ऐसे मार मार के, और वो बड़ा रिदम के साथ होता है। इट इज डन कि ऐसे पाँव पाँव से अंदर भी मारते रहते हैं, उस डंडे को ऐसे मारा जाता है, और साथ साथ पाँव के साथ जो बाहर उछलता है, बाहर जो उछलता है उसको अंदर भी डाला जाता है। तो अब यू इफ यू सी लेडीज डूइंग इट, इट लुक्स वेरी वेरी रिदमिक, कि ऐसे मारो और ऐसे अंदर, ऐसे मारो और ऐसे अंदर, बहुत अच्छा लगता है वो देखने में। जैसे हो, ठीक हो, हाँ बिल्कुल बढ़िया, घूम के आए। हाँ घूम फिर के आ गए। ये मेरे चाचा हैं, वीडियो में आ गए। ये घर, ये वाला घर इनका है, और ये टिपिकल घर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बताता हूँ, नीचे के नीचे हमेशा जो गोट बोलते हैं हम लोग, नीचे यहाँ पे गाय बछड़े वगैरह उनको रखते हैं रात को, एंड ऊपर लोग रहते हैं यहाँ पे। तो ये रात को लॉक हो जाते हैं, और अभी आप जैसे देख रहे हो सुबह सुबह होते ही गायों को बाहर निकाल देते हैं, बाकी दिन भर ये बाहर रहते हैं, फिर रात को उनको अंदर कर देते हैं। एंड ये हमारी 3 गायें हैं, तीनों के तीनों मेरे को पहली बार देख रही हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस है कि ये कौन आ गया, और डर भी रही हैं। तो मैं शायद इनके पास जाऊंगा तो डर जाएंगी थोड़ा सा। वो बड़े आने के बाद डरेंगे ना भाई। आ जा, ये बड़े वाला जो है, हाँ ये है, आ, आ। लंपुछड़ी, देखो गाइस ये क्या, दिस इज कॉल्ड लंपुछिया, और इंग्लिश में मैगपाई की एक ब्रीड है ये। बहुत अमेजिंग लगता है ये, जब ये उड़ता है तो इसके पूरे पीछे वाली लंबी पूंछ। अभी देखो रोहित को ये जानते हैं, रोहित के साथ दे आर वेरी वेरी फ्रेंडली। नाइस, ये इनकी बिलोंगिंग होती है, बॉन्ड बन जाता है जो लोगों के साथ यहाँ पे। ब्यूटीफुल गाइज, ये जो जगह आप देख रहे हो मेरी बचपन की बहुत ही एक प्यारी फोटो है, जहाँ पे मेरी बहन नहा के बैठी हुई है, बगल में कद्दू है इस पे, और साथ में बगल में मम्मी मुझे नहला रही है। वैसे आप लोगों ने पहाड़ी गाना तो सुना ही होगा, बाकी कुछ सुना ना हो सुना हो, बेड़ू पाक को 12 मासा तो पक्का सुना होगा। तो ये हैं वो बेड़ू जिसकी बात कर रहे हैं उस गाने में। नाइस, अरे वाह, ब्लैक हो गए हैं, तो मीठे होते हैं ना ये। पकने के बाद ब्लैक हो जाता तो ये भी गाइस नीचे है। फील्ड्स हैं, सिन्ना सिन्ना है। अरे ये तो इसका मैंने पहले भी एक दो ब्लॉग में दिखा रखा है, ये बिच्छू घास हिंदी में जिसको बोलते हैं। तो गाइस ये जो पकड़ा है हाथ में, एक तो ये तो बेड़ू हो गए हमारे, जो बेड़ू पाक को 12 मासा वाले गाने के बेड़ू हैं, और ये जो इसे दूसरा हाथ में पकड़ा है, ये हमारी पहाड़ी मम्मियों का फेवरेट हथियार है, जो बच्चों को सीधा करना है और बच्चों को सबक सिखाना, तो इसको यूज़ किया जाता है। इसे सिन्ना घास, और या फिर हिंदी में बिच्छू घास बोलते हैं।
ओके सो गाइस, टाइम टू लीव द होम। अनफॉर्चुनेटली सिर्फ एक रात के लिए यहाँ पे थे। तेरे एक बैग मेरे को दे दो, मैं बैग बाड़ी बाइक में लेके आता हूँ। ये वाला दे दो ना, हल्का वाला। अरे घबराओ नहीं रे, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हुआ। चलो 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 चलो, हटो 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 हटो। सो गाइस, आफ्टर दैट माय मदर टुक अस टू अ टूर अराउंड टेंपल्स इन एंड अराउंड आवर विलेज। इट इज काइंड ऑफ वन ऑफ आवर फेवरेट थिंग्स टू डू, एंड देयर वर लॉट ऑफ दिस टेंपल्स व्हिच वर वेरी सिग्निफिकेंट टू अस, टू आवर फैमिली, आवर क्लैंस, एंड वी पेड अ विजिट टू ईच वन ऑफ देम। आगे तक जाएगा, आइसक्रीम दे दो, ये लो। तो मम्मी को भी देना। ये है हमारा दूसरा मंदिर आगे जाके, क्या हुस्कर मानू, हमारे इष्ट देव जो है। तो अभी चल के आगे दिखाता हूँ मैं। ऑफ टू मंदिर नंबर 3 फॉर द डे। टाइम हो गया है 12:30। यहाँ भी लगान चलेगा ना? अच्छा अच्छा, छुरमल इनका हुआ, पूरी ये जो भूमि है ये सबसे अच्छा है। अच्छा अच्छा, मंदिर नंबर 3 एंड लंच एट रिलेटिव्स डन प्लस आवर ऑफ रेस्ट एंड इधर उधर की बातें, लॉट ऑफ गप्पास, लॉट ऑफ ओल्ड मेमोरीज रिलीव्ड, एंड नाउ द प्लान इज वन मोर मंदिर। इट इज ऑलवेज एन एक्सट्रावेगेंस ऑफ मंदिर विद माय मदर। सो वन मोर मंदिर विच इज लेफ्ट इज इन अ टाउन कॉल्ड थल, विच इज अबाउट 36 किलोमीटर्स। And ahead of that town, Thal, another 20 kilometers is that mandir where we are going right now. Again, a temple which has remained very significant with our clan, with our family since ages. So, although temple may not be as famous for the rest of the country. So, yeah, going to stay there for the night. Alright guys, of course, se Narayan Nagar hote hue hum log Thal jayenge. To Narayan Nagar ke liye, this is the अनदर रोड, जो नेशनल हाईवे नहीं है, इट्स अ स्मॉल नैरो रोड।
ट्रेन से नारायण नगर निकलेगा और नारायण नगर से डीडी हाट जाएगा और डीडी हाट होते हुए फिर हम थल जाएंगे। आई रियली लव दिस रूट जो इन चीड़ के पेड़ों के साथ के अंडरनीथ हम लोग चलते हैं एंड दे व्हेन दे शेड देयर लीव्स दे मेक दिस कवर ऑफ दिस ब्राउनिश लीव्स ऑन द ग्राउंड एवरीवेयर। इसके लीव्स पतले से स्ट्रॉ जैसे होते हैं वेरी फाइन एंड ये पूरे जगह ऐसी एक लेयर छोड़ देते हैं। एक्चुअली जब पतझड़ आता है उसके बाद तो ये सारा जंगल में इस पूरे जंगल में फ्लोर जो होता है वो इन्हीं चीज़ों का बन जाता है एंड इस पर हम लोग स्लाइड करते थे तेवते लगा के उससे बैठ के हम लोग स्लाइड करते थे बिकॉज दे आर वेरी स्लिपरी यू नो जैसे लोग स्नो के ऊपर स्लाइड करते हैं वैसे ही। तो गाइस ये वाला रास्ता है जिससे मैं अभी आया ऊपर से शॉर्टकट दिस इज अ शॉर्टकट फ्रॉम अस्कोट इज कॉल्ड नारायण नगर अस्कोट मोटर मार्ग एंड दिस रोड बिहाइंड मी गोज टू पिथौरागढ़ एंड अहेड नाउ एज यू कैन सी इज गोज टू थल दोना कोट एंड डीडी हाट। वाओ गाइस आई एम सिंपली लविंग दिस रूट सो सो ब्यूटीफुल लश ग्रीन फॉरेस्ट यू नो नैरो रोड नॉट वेरी वाइड ट्रैफिक इज ऑल्सो नॉट दैट मच एंड दिस पार्ट स्पेशली दीज पार्ट वेर इज सो डेंस एंड द सन कांट पीस थ्रू वाओ सिंपली लव राइडिंग इन ऑन दीज रोड्स। नगर पालिका परिषद डीडी हाट में आपका स्वागत है। दिस इज डीडी हाट भैया थल इस रास्ते में ना थल थैंक यू एंड लुक एट द टेंसनेस ऑफ दिस फॉरेस्ट हियर लुक एट दिस आई मीन आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर मुझे यहाँ पे कोई ऐसा रेयर वाइल्ड एनिमल मिल जाए। हाउ ब्यूटीफुल दिस रोड इज हियर ड्राइव करें उड़ान ना भरें गुड वन वाओ गाइस इस रास्ते ने तो दिल जीत लिया यार क्या रोड है ये थोड़ी दिस इज द ओल्डर रूट और पिथौरागढ़ जो सरकार कमर्शलाइज कर रही है जो पब्लिसाइज कर रही है इसमें जिसमें मेहनत चल रही है तो वही वाला है चंपावत लोहाघाट वाला एंड दिस इज द ओल्डर रूट एंड दिस इज सो मच फन। ओहो नली में घुस गई बैड कितना मजा आ रहा है यहाँ चलाने में भाई पेड़ों को देखो कैसे उगे पड़े हैं टेढ़े मेढ़े वाओ लुक एट दिस ऑल स्लांटेड स्लोप में भी स्लांट खड़े हो गए हैं ये पेड़ यार मानना पड़ेगा। इनफैक्ट अभी काफ़ी दूर है वैसे ऊपर देखो काफ़ी ऊपर है सन थल कुछ 7-8 किलोमीटर रह गया है। ओ नई रोड यहाँ पर मेन रोड है थल की जो आ रही है वहाँ से मुंशियारी भी यहीं से आता है। अच्छा गौचर करके इलाके में पहुँच गए हम पेरेंट्स का वेट कर लूँ या चलूँ धीरे धीरे या वेट कर ही लेता हूँ। तो यहाँ से नीचे थल है और थल से हमें 20 किलोमीटर आगे और जाना है। ये है थल मार्केट एरिया ये रहा थल का वो झूला ब्रिज मतलब जो मुझे बचपन की यादों में से एक है। तो क्या हम यहाँ से फिर से ऑल्टीट्यूड गेन करेंगे ओह नाइस दिस इज नाइस पंखू 12 किलोमीटर दिस इज द लोकेशन जहाँ हमें जाना है पंखू आदिशक्ति माँ कोकिला कोटगढ़ी भगवती मंदिर आगमन पर अभी आपका स्वागत है। तो हम जा रहे हैं पंखू के इस कोटगढ़ी मंदिर की तरफ और ये मिस्टर सन गुड बाय करते हुए दुनिया को ये जो रोड है मेन रोड से हट के पंखू गांव को जाती है और पंखू गांव में ही वो मंदिर है तो इसीलिए थोड़ी सी नॉट इन अ वेरी गुड शेप है। गाइस ये देखो कैसे रास्ते से जा रहे हैं कितना अंधेरा रास्ता है
काफ़ी बहुत ही रिमोट एरिया में हम आ गए हैं। पंखों के लिए कभी आया नहीं है, हार्डली कोई ट्रैफिक है, कहीं एक आधा घर दिख रहा है पहाड़ में कहीं पे। कितना सुंदर लगता है सीढ़ीनुमा खेती। और ये जो मिट्टी है, ये लाल मिट्टी, ये बहुत काम आती है घर भर में लिपाई वगैरह करने के। जो हमारा हरिपुर का गांव है, उनके घर इसी लाल मिट्टी की लिपाई से ही बने हुए हैं। भाई कोई मंदिर कहीं नहीं दिख रहा, क्यों नहीं दिख रहा? कहीं तो कोई दूर मंदिर दिखे, कहाँ है मंदिर? ऑलराइट, वंदना ने कैचअप कर लिया है एंड अब मैं सोच रहा हूँ कि लास्ट तक उनके पीछे पीछे। और वाओ, लुक एट दिस यार, क्या मस्त लग रहा है यार ये सब कुछ। गाइस, आई डोंट नो हाउ मच ऑफ दिस यू आर एबल टू अप्रिशिएट, बट ऑल ऑफ दिस इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल टू मी। लुक एट दिस, वाओ। ओहो, ऊपर क्रिकेट भी चल रहा है। पंखू गाँव गाइस, और यहीं कहीं मंदिर है तो ये तो अच्छा खासा लग रहा है भाई। यहाँ तो लग रहा है कि मिल जाएंगे होटल वगैरह। मैं तो यहाँ कहीं पहुँच तो गए हैं लोकेशन पर, यहाँ पे कहीं रूम वूम ढूंढ रहे हैं। अच्छा, तो ये है मंदिर, ये है मंदिर। ऑलराइट,